में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। आप देख रहे हैं आईपीएल पर हमारी खास कवरेज क्रिकेट का आरआरआर। और आईपीएल के मैदान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि किंग कोहली के शानदार शतक के बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया है। 187 रनों का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शुरुआत बहुत शानदार रही, तूफानी रही और किंग कोहली ने यहाँ पर शानदार शतक जड़ा है। कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने भी यहाँ पर उनका शानदार साथ दिया और उसके बाद 187 रनों के टारगेट को बोनस साबित कर दिया इन दोनों शानदार बल्लेबाजों ने। विराट कोहली ने आदिशी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 63 गेंद में 100 रनों की पारी खेली। वहीं डू प्लेसिस ने 47 गेंद में 71 रन बनाए और अपनी टीम को जीत की दहलीज तक लेकर गए। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पॉइंट टेबल में चौथे पायदान पर पहुंच गई है और प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीद को बेंगलोर ने कायम रखा है। तो हैदराबाद की ओर से क्लासन ने शानदार शतक जड़ा और उसके बाद 186 रनों का जो लक्ष्य मिला था बेंगलोर को, एक वक्त ऐसा लगा कि मुश्किल साबित होगा, लेकिन जिस तरह से किंग कोहली ने पहले ही गेंद से शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे, उसके बाद शानदार शतक लगाया और अब आरसीबी चौथे पायदान पर पहुंच चुकी है और 8 विकेट से ये मैच जीता है आरसीबी। चलिए अब आपको हैदराबाद का बैटिंग कार्ड दिखाते हैं, किस तरह से हैदराबाद ने बल्लेबाजी की और 185 रन बनाए। तो आज का दिन हैदराबाद की बात करें तो क्लासन के नाम रहा। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और सिर्फ 11 रन बनाए, 14 बॉल खेली और 2 चौके भी लगाए। राहुल त्रिपाठी भी बहुत शानदार बल्लेबाजी नहीं कर पाए, 15 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए। लेकिन इसके बाद हेनरी क्लासन का वक्त आया, 104 रनों की शानदार पारी खेली, सिर्फ 51 गेंद इसके लिए उन्होंने खेली है और 8 चौके और 6 छक्कों की मदद से उन्होंने ये पारी खेली। एडन मार्कम भी कुछ खास नहीं कर पाया, 20 बॉल खेली, 18 रन बनाए। हैरी ब्रुक 27 रन बनाया और नाबाद रहे। चलिए आपको दिखाते हैं कि आरसीबी के गेंदबाजों ने किस तरह का प्रदर्शन किया और 185 रन अगर बने तो किस वजह से बने। आरसीबी के गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की और अच्छी इकोनॉमी से गेंदबाजी की, 4 ओवर में 17 रन दिए, 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। वेन पर्नेल को विकेट नहीं मिला, 4 ओवर फेंके और 35 रन उन्होंने खर्च किए। ब्रेसवेल की बात करें तो शुरुआत में दोनों ओपनर्स को ब्रेसवेल ने आउट किया, 13 रन दिए और इकोनॉमी बहुत शानदार रही, 6.50 की इकोनॉमी रही। शहबाज अहमद को भी 1 विकेट मिला, वहीं हर्षल पटेल ने भी 1 विकेट लेने में कामयाबी हासिल की। चलिए अब आपको आरसीबी का बैटिंग कार्ड दिखाते हैं जिसमें किंग कोहली ने शानदार शतक जड़ा और उसके बाद कुछ खास बचा नहीं हैदराबाद के लिए। विराट कोहली शानदार शतक जड़ा है और आईपीएल 2023 में ये उनका पहला शतक है, बड़े मैचों के खिलाड़ी कहे जाते हैं और 12 चौके लगाए, 6 रन की बात करें तो 4 छक्के वहां पर उन्होंने जड़े हैं। विराट कोहली ने सिर्फ 63 गेंदों पर 100 रनों की पारी खेली। फाफ डू प्लेसिस ने भी कप्तानी पारी खेली है, 47 गेंदों पर 71 रन बनाए हैं, 7 चौके लगाए हैं और 2 बड़े छक्के भी जड़े हैं। चलिए आपको हैदराबाद की बॉलिंग भी दिखाते हैं, किस तरह से हैदराबाद के बॉलर्स ने रोकने की कोशिश तो की लेकिन बहुत कामयाबी यहां पर नहीं मिल पाई। आज विराट कोहली और डू प्लेसिस के सामने हैदराबाद के बॉलर्स जो हैं वो बड़े नजर आए। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर फेंके, 48 रन दिए, 1 विकेट उनको मिला, 12 की इकोनॉमी से बॉलिंग उन्होंने की। अभिषेक शर्मा की बात करें तो 3 ओवर फेंके, 28 रन खर्च किए, विकेट नहीं मिला। टी नटराजन की बात करें तो 1 विकेट लेने में कामयाबी हासिल की। कार्तिक त्यागी और मयंक डागर को भी कोई विकेट नहीं मिला।